सभी को नमस्कार। आज हम कवितज्ञ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना। नहीं शब्द पर हम यहाँ पर ध्यान देने वाले हैं। कवि मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं मानता, क्योंकि इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है। इनके विरोध में संघर्ष करके इसे दूर किया जा सकता है। ऐसी कई बातें हैं जो इनसे भी खतरनाक होती हैं, यानी कि पुलिस की मार आदि को तो हम दूर कर सकते हैं संघर्ष करके, लेकिन हमारे जीवन में हताशा में जीवन हो, अगर हम उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें, निष्क्रिय होकर के रहें, इनका प्रभाव कम नहीं किया जा सकता। यह इस कविता में कवि ने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा सेकंड जो प्रश्न है, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा होता है। तो सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता अधिक असरदार बन गई है। पाठकों को खतरनाक और सबसे खतरनाक के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ में आया है। इससे यह निश्चय करना कि सबसे अधिक बुरी परिस्थिति क्या है आसान हो गया है, यानी कि दोनों शब्दों का अंतर यहाँ पर कवि बताता है। खतरनाक और सबसे खतरनाक में क्या अंतर है, क्या फ़र्क है, यह बताया गया है। और अगर पाठक इसे पढ़ता भी है तो वह आसानी से यह निश्चित कर लेता है कि दोनों में क्या फ़र्क है। तीसरा हमारा प्रश्न आ जाता है कि कवि ने कविता में कई बातों को बुरा न कहकर बुरा तो कहा है। तो शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है, तो प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है। इसका उत्तर लिखेंगे, समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों के लिए कवि ने तो का प्रयोग किया है। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि इससे भी अधिक बुराई समाज में मौजूद है जिसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार तो शब्द का प्रयोग कवि ने वाक्य पर बल देने के लिए किया है। आसानी से समझ लीजिए कि सिर्फ हम जब किसी बात में तो का प्रयोग करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऐसा तो है ही, तो बल देने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है, आपकी दृष्टि में इन बातों में क्या संगति है और ये क्यों सबसे खतरनाक हैं? मुर्दा शांति से भर जाने का आशय है निष्क्रिय हो जाना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, यानी कोई एक्शन नहीं करता है, और यही इसका अर्थ है। सबसे खतरनाक प्रश्न है, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई घड़ी भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत करवाना है। तो यहाँ घड़ी का प्रयोग जीवन के लिए किया गया है। जिस प्रकार घड़ी बिना रुक के निरंतर चलती रहती है, उसी प्रकार जीवन में भी गति होती है। यह समय के अनुसार निरंतर गतिशील होता रहता है और यह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। घड़ी शब्द से यह संकेत किया गया है। जब जीवन में स्थिरता आ जाती है, कवि ने घड़ी के माध्यम से उन लोगों की तरफ इशारा किया है जो प्रगतिशील संसार में भी स्वयं को जड़ या निरर्थक बनाए रखते हैं। निरर्थक का तात्पर्य क्या है, जिनका कोई सार्थक तात्पर्य जीवन में नहीं होता है। और यहाँ पर घड़ी से मानव जीवन की तुलना करके कविता को अंदर अत्यंत सुंदर रूप प्रदान किया है। प्रश्न है, वह चांद सबसे खतरनाक क्यों होता है जो हर हत्याकांड के पश्चात आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। यहाँ चांद का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया गया है जो आस्था और विश्वास के नाम पर अत्याचार और अन्याय को चुपचाप सहने का उपदेश देते हैं। वे लोग भगवान की भक्ति के नाम पर पीड़ित लोगों से मनमोहक बातें किया करते हैं और उन्हें अन्याय के विरुद्ध कोई भी आवाज़ ना उठाने की प्रेरणा देते हैं। कवि ऐसी आस्था को खतरनाक मानता है कि ऐसी आस्था जो है वो नहीं होनी चाहिए जिससे मानवीय समस्याओं का हल नहीं निकलता है, यानी केवल ईश्वर के भरोसे लोग अत्याचार सहन करते रहते हैं और पीड़ित जो होते हैं वो पीड़ित हमेशा
पीड़ित ही रह जाते हैं, कोई उसका विद्रोह नहीं करते हैं, उनके साथ जो स्थितियां हैं उसका वो अत्याचार का विरोध नहीं करते हैं। यहाँ पर चांद शब्द का प्रयोग ऐसे लोगों के लिए किया है कवि ने, और यह स्थिति समाज के लिए खतरनाक बताई है। जो लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाते हैं तो यह भी उन्हें सही नहीं लगता है, इसीलिए उन लोगों को वह चांद शब्द से संबोधित करता है। यह थे आज के हमारे प्रश्न, और इससे संबंधित आपको पाठ से संबंधित व्याख्या भी आपको मिलेगी। अगर आपको गाइड बुक चाहिए तो मैंने सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, वहाँ से परचेज कर सकते हो।